शतरंज का मैं शौकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गया। वो मोहरे चल रहे थे, मैं रिश्ते निभा रहा था। दिक्कत यही हुआ कि वो मोहरा मैं रिश्ते में समझ रहा था, वो मोहरा को रिश्ता नहीं समझ रहे थे। आगे क्या करेंगे सर? अभी मैंने इस्तीफा दिया है, अब मेरे सामने पूरा खुला विकल्प है। अब मेरे सामने दो ही विकल्प है, एक तो वह अपने विजन को पूरा करने के लिए सबसे पहले फुलवाड़ी की जनता का ऋण है, और दलित पिछड़ा अल्पसंख्यक उनका भी ऋण मुझ पर है, क्योंकि उन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैंने भी कुछ कदम किया है। तो दूसरा मेरे सामने अब विकल्प बचेगा, अगर ये नहीं किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़ूंगा तो संन्यास लेने की स्थिति होगी। 2020 से ही आप पार्टी में गए, राजद में कोई एक पद से कोई आप पर क्या ध्यान नहीं दे रहे थे? मैंने तो सब चीज लिख ही दिया है। आप जब उसको विच्छेद संधि विच्छेद करेंगे तो सारी चीजें सारे चित्र आपके सामने आंखों के सामने आने लगेंगे। सामाजिक नेता हैं आप, आगे क्या जेडीयू घर वापसी करेंगे? मैंने कहा ना कि अभी मैं कुछ भी इस पर बोलने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन एक सप्ते के अंदर आपको सूचना मिल जाएगी कि मैं क्या करने जा रहा हूँ। शतरंज की बात आपने की है, शतरंज का मोहरा क्यों? शतरंज का मोहरा मैं बना, खिलाड़ी कौन था? अब खिलाड़ी जो नेता होंगे वही ना खेल रहे होंगे शतरंज, जिसको आता होगा वही ना शतरंज खेल रहा होगा। आगे खोलेंगे श्याम रजक, क्या पत्ते? पत्ते अपने पत्ते खोलेंगे ना। हाँ, एक हफ्ते के बाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।